नमस्कार, अब खबर है कामा से। भरतपुर जिले के कामा पंचायत समिति के स्नोखर पंचायत के गांव गुरीरा में सड़क निर्माण में हो रही काफी भ्रष्टाचारी पहले भी कई बार स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है। घटिया सामग्री के निर्माण की शिकायतें एक ही बारिश के चलते खुलेआम में दिखाई दे रही। सड़कों की हालत हुई बंद से बदतर, रास्ता हुआ पूरी तरह से खराब। मान जाए तो स्नोखर सरपंच पर कई बार लग चुके हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। कई मामलों में है लिप्त सरपंच। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच नीरज के विकास कार्यों की जांच कराई जाए व तत्कालीन प्रभाव से सरपंच की सदस्यता भी खत्म की जाए, लेकिन सरपंच के कारणों की नहीं की जाती कोई जांच। इसी के चलते ग्रामीणों में काफी मात्रा में रोष व्याप्त है। अभी कुछ ही दिन पहले गुड़िया में शमशान घाट जाने के रास्ते की सड़क में जगह जगह घटे हो जाने का मामला सामने आया था, लेकिन न जाने क्या कारण रहा कि कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और सरपंच साहब ने आनन फानन में सड़क निर्माण शुरू करा दिया। इस बार भी सड़क निर्माण कार्य में मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, जिसे आप घटिया सामग्री भी बोल सकते हैं। न जाने की क्या कारण है कि सरपंच के विकास कार्यों के विकास अधिकारी जाँच ही नहीं कराते। सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त। सड़क निर्माण की जांच व घटिया सामग्री की रोकथाम के लिए जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ग्रामीण जल्द एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे व सरपंच भ्रष्टाचार में लिप्त होने की जांच कराई जाए व तत्कालीन प्रभाव से सरपंच की सदस्यता भी खत्म की जाए। कामा से हरिओम कुमार मीणा की स्पेशल रिपोर्ट।